किशोर, आज हमारी शादी हुई है, तुम्हारी दुल्हन घूंघट में बैठी है, तुम उसका घूंघट नहीं उठाओगे? हेलो आरती, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? घूंघट नहीं उठाओगे का क्या मतलब है? हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। जस्ट टू रिमाइंड यू, हम लोग पिछले 3 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ओके? अब तुम्हें ही भूत चढ़ा हुआ था शादी करने का। शादी करनी है, शादी करनी है, लो कर ली शादी। वैसे मुझे अब ये लिव इन रिलेशन में इतना सही रह रहे थे साथ में, क्या हो गया ये शादी का थप्पा लगाकर, बताओ? कैसी बातें कर रहे हो किशोर? हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी हो, वो दुल्हन बने, तो हाल रात में उसका पति उसका घूंघट उठाए। चलिए फोन छोड़ो और शुरू हो जाओ। यार आरती, ना जाने कितनी बार हमने सुहागरात बनाई है, थक गया हूँ मैं सुहागरात बना बना। चलो अब सो जाते हैं। थका दिया यार इस शादी ने। सो जाओ, सो जाओ। जी मैडम, थोड़ा और वेट कर लिए, मैं बस आ रही हूँ। जी जी जी, बस आधा घंटा लगेगा, मैं बस घर से निकल रही हूँ। जी 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 जी, ओके। आरती, मुझे एक कप चाय मिल सकती है क्या प्लीज? नहीं मिल सकती, चाय बना कर रखी है, नाश्ता भी बनाया है, खुद गर्म करके खा लेना, मुझे लेट हो रहा है, कस्टमर मेरा वेट कर रहे हैं यार। कल आपकी बात से नाराज हूँ। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी, तुमने तो बहुत सुहागरात बनाई है ना। अरे अरे अरे, साफ साफ दिख रहा है तुम कितनी नाराज हो। I'm sorry. तुम्हें मना लेते हैं। कैसे बनाओगे? सुहाग दिन मनाते। चुप करो यार। तुमने, तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगी, हमारी किटी पार्टी भी शुरू हो गई होगी। मैडम, पार्टी में लेट जाने वालों की बहुत वैल्यू होती है। देखो हो गया सारा काम, अब जल्दी से आप फेस वॉश कर लो। Thank you.
बहुत अच्छा काम करती हो तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा भी मसाज कर दो ना। क्या क्या बदतमीजी है ये? एक बार, सिर्फ एक बार अकेले में। अपनी औकात में रह समझा, वरना तेरी बीवी से ऐसा थप्पड़ खिलवाऊंगी ना, तेरी सारी आशिकी बाहर निकल जाएगी। बदतमीज, बदतमीज, ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अच्छा, इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम? अच्छा बताओ, ऐसे बात नहीं कर सकती तुम? क्या हुआ? सोनी, इस तरीके की औरतों को तुम घर पे क्यों बुलाती हो? एक तो मुझसे ये चिपकने की कोशिश कर रही है, और ऊपर से मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे फंसा देगी। मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रही। चुप कर तू। तुम्हारी जैसी औरतों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। पार्लर के काम के बहाने घर आती है और घर के मर्दों पर अपने डोरे डालती है। मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम निकलो अभी यहाँ से, सामान पैक करो और निकलो, निकलो फास्ट। मेरे पैसे। पैसे? अभी निकलो तुम यहाँ से, बोला ना मैंने, जल्दी जल्दी फास्ट। अचानक हो गया, मैं क्या बताऊं। वाओ, आरती और मेरी शादी हो गई है, वी आर वेरी हैप्पी। यार शादी के बाद भी तुम इतना खुश हो, ये बात मुझे कुछ हजम से नहीं हो रही। क्यों हजम नहीं हो रही तुझे? क्या मतलब है तेरा? हां यार, तुम यहां अपनी उंगलियों से लोगों को नचा रहे हो। मैंने सुना है कि आरती अपनी उंगलियों से लोगों को टॉप क्लास का मसाज देती है। क्या बकवास कर रहा है तू? हां क्या बकवास कर रहा है तू? हां जो भी तेरे मुंह में आएगा तो बकेगा। वो घर घर जाकर अपने पार्लर का काम कर रही है, समझा तू? मैंने कब कहा कि वो घर घर जाकर मसाज नहीं देती है? देख, मेरी बीवी ने उसे अपने मोहल्ले में देखा है। मेरे पड़ोसी मिस्टर सिंह और उनकी मिसेस, उन दोनों ने उसको गाली देकर घर से बाहर भगाया है। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ कुछ भी बकेगा क्या? हाँ तुझे बकवास लग रहा है, मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो खुद घर जाकर अपनी बीवी से पूछ लेना कि कल कैसे उसकी मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जती हुई है। बकवास बंद करो, निकल यहाँ से। चल चल। पार्टी होगा। आरती, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तुम्हारा किसी क्लाइंट के साथ झगड़ा हो गया था और फिर उसने तुम्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया, क्या ये सच है? किशोर, वो एक क्लाइंट का हस्बैंड मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। जब ये बात मैंने उसकी वाइफ को बताई तो वो उल्टा मुझ पे इल्जाम लगाने लगी। इसी बात पे झगड़ा हो गया था, ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा कुछ नहीं कह रही हो तुम इसे? ये क्या छोटी सी बात है? आती, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर घर जाकर अपने पार्लर का काम बंद करो। मैं इतना कमा लेता हूँ कि हम दोनों का जीवन आराम से चला सकता हूँ। स्टॉप दिस नाउ। बात जीवन चलाने की नहीं है किशोर, बात अपने पैरों पर खड़े होने की है। अब बात बात तक मैं तुम्हारे सामने पैसे के लिए हाथ नहीं चला सकती। अरे मेरे डीजे वाले बाबू, आज उठोगे नहीं क्या? चलो उठो उठो। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? चोरी करने आए थे ना? चोर! अरे एक मिनट,
आप चुप हो जाइए, मैं चोर नहीं हूँ, किशोर का कजन हूँ, आज ही यहाँ आया हूँ। झूठ बोल रहे हो ना, किशोर ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। अरे उन्होंने लगाया था आपको फोन, आपका फोन ही नहीं लगा और वो काम पे चले गए। मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। लगा तो था। और तुमने किशोर के कपड़े क्यों पहन के रखे हैं? अरे ये तो भाई ने ही मुझे दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा। मैं आपके पति का भाई हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ। हाँ ठीक है तुम बैठ जाओ, मुझे पहले किशोर से बात करनी है। यहीं रहना, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक। लेके आती हूँ। किशोर कभी फोन क्यों नहीं उठाता है?
भूख लगी थी ना तुम्हें, तो खाते क्यों नहीं? अरे भाभी इतने जल्दी खाना बना दिया आपने। वाह क्या टेस्टी खाना बनाया आपने भाभी, कितना अच्छा खाना बनाती हैं आप। मन करता है आपके हाथों को चूम लूं। क्या लगता है आपको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है? तो पता नहीं किशोर फोन क्यों नहीं उठाता है, घर से जाने के बाद इसको कुछ होश ही नहीं होता कि घर में पता नहीं किसको बिठा के ले आया घर पे। इसका भाई भी है या कोई ऐसी ही है? बोलो तुम्हारे कॉल्स मिस किए मैंने। किशोर यार कहाँ हो तुम, कितने फोन किए तुम्हें, अब फुर्सत मिल रही है तुम्हें? अरे मैं इवेंट के बीच में था, तुम्हारा रिंगर सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या हुआ इतने परेशान क्यों साउंड कर रही हो तुम? तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारा कोई भाई घर पे आ रहा है। हाँ वो अजय ना, आई नो, वो अचानक आ गया वो आरती। मैंने तुम्हें फोन लगाने की कोशिश भी की थी लेकिन तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था, मैं क्या करूँ? अच्छा रखो, अब वो तुम्हारा भाई बाहर हॉल में सो रहा है, आओगे तो उसे गेस्ट रूम में सुला देना, ठीक है? ओके बाय। सर में बहुत दर्द है, कोई दवाई है क्या आपके पास? सच्ची ये लो और जाओ यहां से, जाओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, किशोर को बोल के इसे यहां से निकलवाना पड़ेगा। उसे आज के आज अभी के अभी इस घर से निकालो। क्या बात कर रही हो तुम आरती है, मेरे मामा का बेटा है वो, ऐसे कैसे निकाल दूं मैं उसे घर से? और क्यों निकालूं बताओ, क्या किया क्या है उसने? उसकी नजरें देखी है तुमने? छी, इतने गंदे तरीके से घूरता है मुझे, और कल रात को तो वो मेरे कमरे में घुस आया था, वो सही लड़का नहीं है यार। आरती यार तुम वहम पाल रही हो, सब वहम है तुम्हारा। जो तुम्हारा वहम है ना कभी सच में बदल जाएगा, उस दिन देखते रहना तुम। देखो अभी के अभी उसको इस घर से निकालो वरना मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे आरती आरती स्कूल बैठो बैठो बैठो, एक बैठो, देखो
तुम घर छोड़ने की क्यों बात कर रही हो? हा? देखो मामा जी ने उसे घर से निकाल दिया. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा नहीं. तो? अरे मैं उसकी जल्द से जल्द कोई नौकरी लगवा दूंगा ना, फिर वो चला जाएगा. तुम टेंशन मत, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. ओके? लो, तुम्हारे घर में फिर से कोई काम कर दिया. देखो अब. चलाती है उसका देवर ऐसे ही रहेगा तो अच्छा ही लगता है ना, इसलिए सोचा खुद फेशियल कर लेता. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? उसमें हिम्मत की क्या बात है भाभी, भाभी का सामान मतलब मेरा सामान, इसलिए हाथ लगा दिया बस. आइंदा से मेरे सामान को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा. देख लो अपने भाई जी का कितने बड़ा भाई भाई कर रहे थे ना. क्या अजय तू पागल हो गया क्या? हाँ तू आते ही यहाँ पर क्या पागलों के जैसी हरकतें कर रहा है? तेरे मेरे सिवा तेरी भाभी भी रहती है इस घर में, समझा? उससे पूछे बगैर तुझे उसका सामान हाथ नहीं लगाना चाहिए था, समझा तू? भाई लेकिन पागल हो गया क्या? मैं वैसे ही इतनी मुश्किल से उन्हें समझा रहा हूँ और तू और प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहा है. भाई मैं तो बस ही... अरे बस को छोड़ तू और खुद के पैरों पर खड़ा हो जा. एक जॉब ढूंढ और खुद का घर ले ले, समझा? तेरी भाभी तुझे ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रहने देने वाली, समझा तू? मैं जितना संभाल सकता हूँ उतना संभाल रहा हूँ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं संभाल पा रहा हूँ. बड़ा तैयार हो जा, तेरी जॉब के लिए बात की है मैंने किसी से, उनसे जाकर मिलना है. पर भाभी को सॉरी बोल देना. अबे वापस जा रहा है भाभी के रूम में पागल, वहां जा. लंगूर कहीं का. भाभी मुझे पसंद नहीं कर रही, ऐसे कैसे? लगता है भाभी पर अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा. आपकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए. अच्छा, अरे क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. भाभी, जो भैया ने बताया कि आपको मेरी कुछ हरकतें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो भाभी. हाँ हाँ बोला ना, माफ कर दिया, माफ कर दिया, चलो मेरा हाथ छोड़ो. माफ कर दी? ऐसे कैसे माफ कर दिया? मतलब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे मुझे लगे कि आपने मुझे माफ कर दिया. क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो. हर घर जाकर सबको मसाज देती हो, अपने देवर को मसाज नहीं दे सकती? बदतमीज. सही थी मैं, नहायत ही बदतमीज हो तुम. आने दो तुम्हारे भैया को, आज मैं सब कुछ बताऊंगी उनको. अगर दो मिनट में तुझे इस घर से ना निकाल दिया ना, मेरा नाम बदल देना तुम्हें. निकल, निकल, निकल. बदतमीज कहीं के निकल, निकलता है कि नहीं? वकूफ. शिकायत कर दिया. मैं सब बता दूंगी. छोड़ना चाहिए.
तुम रो क्यों रही हो? आओ, इधर आओ। What happened? क्या हुआ? इधर आओ बैठो। क्या हुआ? बैठो। क्या हो गया? स्वीटहार्ट क्या? अरे? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे भाई की नियत ठीक नहीं है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अकेले हूं। नहीं नहीं, मैं बैठ जाऊ। तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ भी नहीं करोगे। पर वो इस घर से चला गया है, अब उसकी परछाई भी इस घर में नहीं पड़नी चाहिए। प्लीज, नहीं पड़ेगी। तुम कुछ नहीं करोगे ना? किशोर के घर में आरती, आरती। किशोर जी, क्या हो गया? किसने किशोर किसने बोली आज आरती? हे भगवान, ये तो मर चुके हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर अजय है। अजय ने किया है ये सब। उसी ने मारा मेरी आरती को। वो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मैं बच गया।
कहाँ रहता है अजय? अभी कहाँ है अजय इसका तो नहीं पता सर, लेकिन मेरे मामा वो गौतम नगर में रहते हैं। उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? जी दीजिए। मुझे जबानी याद है, आप नोट करवा सकते हैं। ठीक है। हमें यहां क्यों बुलाया सर? अजय कहां? सर 3 महीने पहले मैंने उसे घर से निकाल दिया था, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों निकाला था आपने अजय को घर से? वो खून की सजा काट रहा था, जमानत पर बाहर आया था। मतलब इस अजय ने पहले भी किसी का मर्डर किया था और अब आपके भतीजे किशोर की पत्नी आरती का भी? क्या ये कैसा अनर्थ कर दिया अजय ने? हे भगवान, ऐसी औलाद तुमने मुझे क्यों दी? आप बता सकते हैं अजय इस वक्त कहां मिलेगा? पता नहीं सर, वो बुरी संगत में लग गया है। मैं तो उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया था। ठीक है, अगर अजय के बारे में आपको कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, अभी के लिए आप जा सकते। जी। ये अजय बहुत ही शातिर अपराधी है, इसकी रिपोर्ट किसी न किसी थाने में जरूर हुई हो। एक काम करो, अजय की फोटो हर थाने में सर्कुलेट करवाओ, ये अजय किसी भी हालत में बचकर नहीं निकलना चाहिए। जी सर। अजय की डिटेल्स जो हमने दूसरे पुलिस स्टेशन से मंगवाई थी, उससे ये पता चलता है कि अजय की मौत तो 15 दिन पहले ही हो गई और उसकी बॉडी शहर के बाहर किसी जंगल में पड़ी हुई है। क्या अजय का मर्डर हो चुका है? जी सर। और उसके बॉडी पर किसी ने क्लेम नहीं किया तो पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सिंह, अगर अजय का मर्डर आरती के मर्डर से पहले हो चुका तो फिर आरती को किसने मारा? कहीं ये किशोर हमें घुमा तो नहीं रहा है? एक काम करो, किशोर और आपकी दोनों के कॉल डिटेल निकल, शायद हमें वहां से कुछ सुराग मिले। सर सर डिटेल सर, इन दोनों नंबरों से किशोर के नंबर पर लगातार कॉल्स आते थे और बहुत देर देर तक बातें भी हुई हैं सर। और बात यह कि आरती की हत्या के बाद इस नंबर से कभी कॉल नहीं आया। लगता है हमारा शक सही है। और ये दोनों नंबर किसके? ये दोनों नंबर सर उमेश और संजय नाम के बंदों के। ये दोनों नंबर आरती की हत्या वाले दिन उसके घर के आसपास एक्टिवेट थे। और जहाँ तक बात है सर अजय किशोर की, तो लगभग 15 दिन से तो कोई बात ही नहीं हुई। वही तो बात है सर, अगर अजय का मर्डर 15 दिन पहले ही हो चुका है तो फिर किशोर से बात कैसे हो सकती है? बिल्कुल सर, हमें आंकड़ों से पता चला है कि आरती और किशोर के बीच खटपट चल रही थी। शायद इसी खटपट से हमें कोई सुराग की कड़ी मिला। तुम एक काम करो, उमेश और संजय दोनों को उठा, मैं इस किशोर की खबर लेता हूँ। सर सर अजय का कुछ पता चला? सर अजय की मौत हो चुकी है किशोर। ये कैसे हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें किसने मारा होगा उसे? सर अजय जिसके मर्डर के जुर्म में जेल गया था, मुझे लगता है उसी के परिवार वालों ने मरवा दिया होगा अजय को। तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता किशोर, पुलिस सबूतों पर काम करती है। जी वो तो है सर। हमने तुम्हारा कॉल डिटेल चेक किया, तुम्हारी बीवी की मौत से पहले 2 लोगों के फोन आते थे तुम्हें और तुम्हारी बातें भी थी उमेश और संजय। कौन है तुम? मेरे जिगरी दोस्त हैं सर। अच्छा कमाल,
कैसे जिगरी दोस्त हैं कि तुम्हारे बीवी की मौत के बाद उन्होंने एक भी बार कॉल नहीं किया तुम्हें और ना तुमने उनको कॉल किया। क्यों वो सर ये दुख की बात है सर, तो मैंने सोचा क्या दोबारा मैं फोन करूँ तो मैंने सोचा ठीक है तुम्हारी सोच को अब हम दोस्त करेंगे पुलिस स्टेशन में। चलो सर। नहीं सर, सर प्लीज ये क्या कर रहे हैं सर आप सर? अरे अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। से कहा था कि दो महीने के लिए अंडरग्राउंड रहना, तुम लोग यहां कैसे आ गए? फंसा दिया ना तूने हम दोनों को भी। तुम्हारी हरकतों ने फंसाया है तुम्हें। किशोर, हमने तुम्हारी बीवी आरती के बारे में पता किया। वो बेहद नेक और शरीफ औरत थी जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, एक मुकाम हासिल करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी शक और नफरत ने उसकी जान ले ली और उसी शक और नफरत के कारण तुम आज यहां पर। बहुत बड़ी गलती हो गई सर मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हाँ मैंने अपनी बीवी आरती पर शक किया शक। बात जीवन चलाने की नहीं है, बात अपने पैरों पर खड़े होने की है। अब मैं बात बात पर तुम्हारे सामने थोड़े से पैसों के लिए हाथ नहीं फैला सकती। अच्छा, लेकिन घर घर जाकर तुम गैर मर्दों की मसाज कर सकती हो और उनकी बीवियों से गाली खा सकती हो तुम। क्या बकवास है ये? हाँ? मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे मुझे और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तो सारी दुनिया बाहर पागल है, सब झूठ कह रहे हैं कि किशोर की बीवी बाहर जाकर मर्दों को मसाज देती है, सब झूठ कह रहे हैं। पूरा दिमाग खराब है, होश में भी हो क्या बात कर रहे हो? आरती क्यों बैठ? आरती आई। मैं होश में हूँ आरती, तुम्हें होश में। मुझे लगता था कि वो गैर लोगों के साथ उसका चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं अजय को घर पर लेकर आया ताकि वो आरती पर नजर रख सके। लेकिन अजय अपनी गंदी निगाह आरती पर रखने लगा और ये आरती को पसंद नहीं था। एक दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और आरती ने अजय को घर से भगा दिया। तब मैंने संजय और उमेश को कांटेक्ट किया सर और कहा कि आरती और अजय दोनों को रास्ते से हटाना है, एक सुनसान जगह पर मैंने अजय को बुलाया। से भगाती है तो मिलने बुलाते हो? अजय तुम्हारी भाभी की तरफ से सॉरी बोलने के लिए बुला। लेकिन यहाँ की इसी जगह वो भी इतनी रात को, ताकि किसी को पता ना चले। पता ना चल सके मतलब पता चल जाए। झाड़ियों में छिपा दी। फिर संजय रमेश से मैंने आरती का भी खून करवा दिया और खुद पर भी गोली चलवा दी। मैंने
मैंने सोचा कि सारा इल्जाम अजय पर चला जाएगा। लेकिन किशोर, तुमने यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने आरती से पहले अजय को मार दिया और सोचा होगा कि अजय की हत्या के बारे में पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा और तुम बच जाओगे। लेकिन कानून के हाथ तुम जैसे अपराधियों के सोच और हरकतों से भी बड़े। अब सलाखों के पीछे चलना, जब तक कानून तुम्हारे हर गुनाह की सजा मुकर्रर न कर दे।